हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ राहुल भगत एंड यू आर वाचिंग ब्राइट एकेडमी चैनल। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि BBIT इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, जो कि सिचुएटेड है कोलकाता में। तो इसमें अपन देखेंगे, सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कॉलेज में कौन कौन से कोर्स जो है ऑफर कर रहा है कॉलेज, उसके बाद रैंकिंग क्या है कॉलेज की, फ़ीस क्या है, कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट का कैसा है, स्टैट्स है। तो अपन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो ये फ़िलहाल अपन अभी हैं webginfo.com में, ठीक है। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं है, बट ये वेस्ट बंगाल की जितने भी कॉलेज हैं सारे की डाटा जो है ये कवर करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक एक करके देखेंगे, पहले देखेंगे कि कैंपस कैसा है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं, www.webginfo.com में जाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करके आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। बजबज इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे पहले नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सर्च में जाइएगा और यहाँ पे बजबज सर्च करके आप सर्च कर सकते हैं कोई भी कॉलेज से। बजबज ही नहीं, बाकी बंगाल की जितने भी कॉलेज हैं सारी कॉलेज को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट बात करें, अभी आगे ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे रीड मोर में जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक दी हुई है कैंपस की, यानी कि कॉलेज की पिक दी हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिक, ठीक है। तो अपन एक एक करके बात करते हैं। ये कॉलेज जो है स्टेबलाइज किया गया है जगन्नाथ गुप्ता फैमिली ट्रस्ट से, ठीक है, और इसे 2009 में जो है स्टेबलाइज किया गया है। तो अपन अब बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो बेसिक डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे फुल एड्रेस दी गई है, KP मॉडल रोड निश्चिंतापुर बजबज कोलकाता, ठीक है। लैंडमार्क भी दी गई है, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ पे वेबसाइट भी है, ऑफिशियल वेबसाइट जो बोलें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। और एडमिशन इंचार्ज का नाम है, जो एडमिशन इंचार्ज है वहाँ के, उनका नाम है मिस्टर सम्राट घोष, ठीक है। फ़ोन नंबर भी दी गई है। और बाकी अगर बात करें नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स की बात कर लेते हैं अपन, कि कैसा क्या जो है नंबर ऑफ़ क्लासरूम वगैरह कैसे हैं क्या हैं। तो नंबर ऑफ़ क्लासरूम देखें यहाँ पे 66 है। ई क्लासरूम भी दी गई है 15, जो कि वर्चुअल या फिर कंप्यूटर बेस्ड क्लासरूम होगी वो 15 है। लाइब्रेरी में बुक्स जो हैं, बुक्स के नंबर हैं 42,807, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ लेबोरेटरी 45 है, ठीक है। कंप्यूटर सेंटर वगैरह, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है कॉलेज के अंदर। हाँ, अब नंबर ऑफ़ सीट्स इन बॉयज़ हॉस्टल देख लेते हैं। तो ये है 800 और गर्ल्स हॉस्टल में नंबर ऑफ़ सीट है 300 के लिए, ठीक है। और कॉमन रूम वगैरह भी दिए गए हैं। तो इंफ्रा तो सही लग रहा है, यहाँ से डाटा से इंफ्रा काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। फिर आगे कोर्सेज की बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज हैं BTech के अंदर। तो सबसे पहले देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे आपको फैकल्टी मेंबर के डाटा भी दिए गए हैं कि कितने फैकल्टी मेंबर हैं, ठीक है। और फिर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स है, ECE भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये सारे में आप नंबर ऑफ़ फैकल्टी देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बात कर रहे हैं फीस की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट से 8 सेम तक 8 सेम का जो है फीस दिया गया है, जो कि एक दूसरे से आसपास में ही है, ज़्यादा वैरी नहीं कर रहा है सेमेस्टर वाइज। तो पहला सेमेस्टर का फीस देख सकते हैं 67,200 है। फिर यहाँ पे आप बाकी सेकेंड सेम, थर्ड सेम, ठीक है, बाकी सारे की फ़ीस देख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट बात करें प्लेसमेंट के बारे में, तो प्लेसमेंट जो है फाइनेंशियल ईयर 2017 में जो है 6 लाख पर एनम का मैक्सिमम CTC था, और एवरेज 2.3 लाख पर एनम का जो है एवरेज CTC था। अगर बात करें 2018 में बात करें तो 76% जो है प्लेसमेंट रेशियो था, और जो मैक्सिमम CTC थी वो 9 लाख पर एनम और एवरेज CTC 2.4 लाख पर एनम थी। 2019 की बात करें तो ये 82% में था और मैक्सिमम CTC 10 लाख थे और एवरेज CTC 3 लाख पर एनम थी। तो आप देख सकते हैं ईयर जैसे जैसे ईयर वाइज जो है प्लेसमेंट जो है अच्छा होते रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर गैलरी देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दी गई हैं कैंपस की। तो ये मेन गेट है, ठीक है ना, ये प्रॉपर एकेडमिक बिल्डिंग है, मेन एकेडमिक बिल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबोरेटरी की इमेजेस, ठीक है ना, स्विमिंग पूल वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो सारी मैंने BTech के बारे में बात की, बट यहाँ पे आप दूसरे कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं, BCA, BBA, ठीक है ना।
तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कट ऑफ के बारे में, कि कट ऑफ क्या जाता है। बेसिकली अपन इंजीनियरिंग की कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कट ऑफ देखना है तो आप सिंपली यहाँ पे कट ऑफ वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर में मेन्यू में दिख जाएगा आपको कट ऑफ। यहाँ पे कट ऑफ में आने के बाद ये सारा डाटा को फिल करके आप कट ऑफ चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्ट राउंड नंबर, तो 3 राउंड होते हैं, ठीक है। तो अपन एक देखते हैं, पहला राउंड में देखते हैं क्या कट ऑफ थी। इंस्टीट्यूट फिर सेलेक्ट करना है तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। बज बज, तो यहाँ पे सिंपली आपको बज बज टाइप करना है। देखिए यहाँ पे आ गया बज बज, ठीक है ना। अब फिर सेलेक्ट प्रोग्राम करना है, तो आपको यहाँ पे जैसे आप ऑल में ही सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे ब्रांच की जो है कट ऑफ मिल जाएगी हमें। और सेलेक्ट कोटा कर लेते हैं, कोटा अपन ऑल इंडिया कर लेते हैं, ठीक है ना। और सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पूरी डाटा जो है मिल गई है कि किसके कितने कट ऑफ थे, कौन से ब्रांच के कौन सी कट ऑफ क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे हम एक दो देख लेते हैं। तो बज बज इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट की नाम लिखी गई है, यहाँ पे प्रोग्राम लिखा गया है कौन कौन से ब्रांच का, यहाँ पे कोटा लिखा गया है ऑल इंडिया होम स्टेट वगैरह, और यहाँ पे जो है ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ है ये, ठीक है। और यहाँ पे सारे कट ऑफ दिए गए हैं, OBC वगैरह SC ST जो भी हैं सारे के कट ऑफ दिए गए हैं। तो अगर बात करें, एक बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ की, तो कोटा ऑल इंडिया कोटा है। तो यहाँ पे देखें ओपनिंग रैंक है 28,728 और क्लोजिंग रैंक है 64,564, यानी कि जो कॉलेज का कॉलेज में एडमिशन जो सिविल इंजीनियरिंग में 28,728 से स्टार्ट होता है। WebG में रैंक जो भी है, WebG रैंक पे है ये कट ऑफ। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। फिर आगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, तो कट ऑफ जो है ओपनिंग रैंक अगर बात करें 3,940 है और क्लोजिंग रैंक 33,351 है, ठीक है ना। तो ऐसे आप सारे ब्रांच की कट ऑफ जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ ओपन कैटेगरी में ही चेक करेंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाले को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दी जाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सारे ब्रांच की कट ऑफ जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। आपका जो भी WebG में रैंक रहता है, ठीक है, उससे तो एडमिशन होगा ही, बट आप यहाँ डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अगर यहाँ एडमिशन लेना है, या फिर बज बज इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, या फिर कोई भी बंगाल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपको डाउट है, तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए लिंक से आप जो है वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।